हे गाइस, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज है 21 मई और आज हम देखने वाले 21 मई के करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। ठीक है, हम दोनों चीज़ डिस्कस करते हैं। करंट अफेयर में जो भी न्यूज करंट में उनको डिस्कस करते हैं, चाहे वो 2-3 दिन पीछे की हो उनको भी हम डिस्कस करेंगे, या मंथ की कोई भी हो इंपॉर्टेंट अगर रह भी जाती है तो हम उसको अगले दिन में डिस्कस कर लेते हैं। साथ के साथ में हम डिस्कस कर रहे हैं स्टैटिक जीके। ठीक है, करंट अफेयर के अलावा जो स्टैटिक जीके अपने क्वेश्चंस में पूछी जाती है, कई सारे गवर्नमेंट के एग्जाम्स जो आप देते हो उनमें जो पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्या क्या हम डिस्कस करते हैं, जो करंट टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करते हैं। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जनरल साइंस से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड, एनवायरनमेंट, एक कंट्री के बारे में, एक स्टेट के बारे में मैप प्रैक्टिस करेंगे, वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, और इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन, एक एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, एक इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे करके हम कई सारी चीज़ों को कवर करेंगे इस वीडियो में। पहली न्यूज है विराट कोहली के बारे में। विराट कोहली आप जानते हो, ये क्रिकेटर हैं, इंडिया की इंडियन टीम के कप्तान भी हैं। ठीक है, तो विराट कोहली अभी ऐसे पहले क्रिकेटर बन चुके हैं इंडिया के जो 100 मिलियन फॉलोअर्स क्रॉस कर चुके हैं सोशल मीडिया पर। 100 मिलियन मतलब, 100 मिलियन का मतलब है 10 करोड़। ये इंडिया के पहले ऐसे क्रिकेटर हैं जिनके 10 करोड़ या 100 मिलियन सब्सक्राइबर या फिर फॉलोअर्स हो चुके हैं, किस पर, सोशल मीडिया पर। ठीक है, 10 मिलियन बराबर होता है 1 करोड़, ध्यान रखना। तो ये सोशल मीडिया में क्या क्या चीज़ आती हैं, इसमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक। तो इनके इंस्टाग्राम पर 3.6 करोड़ फॉलोअर हैं, ट्विटर पर 2.9 करोड़ फॉलोअर हैं, और फेसबुक पर हैं 3.7 करोड़ फॉलोअर्स। तो टोटल कुल मिला के 10 करोड़ हैं। तो यहाँ पर जीके का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि कौन सा ऐसा भारतीय खिलाड़ी है जिसके सोशल मीडिया पर 10 करोड़ फॉलोअर्स हो चुके हैं। दूसरा है HDFC कैपिटल एडवाइजर्स लॉन्चेज हर्ट इनिशिएटिव। ठीक है, HDFC एडवाइजर लिमिटेड एक जो बार बार एक बैंक है अपनी, HDFC बैंक है, उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है ऐसे बोल सकते हो, जो कि पूरी तरह से कौन कंट्रोल करता है, HDFC एडवाइजर, HDFC कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड को कंट्रोल करता है HDFC, और इसी के ये ब्रांच है, ठीक है, जो रियल इस्टेट से संबंधित है। तो इन्होंने क्या किया है, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है हर्ट, जो क्या करेगा, टेक्नोलॉजी को प्रमोट करेगा, किसमें, हाउसिंग से रिलेटेड, अफोर्डेबल हाउसिंग, मतलब जो हाउस बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो घर ऐसे बने ताकि कम से कम पैसा लगे, ठीक है, और अफोर्डेबल हो, अगर लोग खरीदें तो वो सस्ता पड़े। ठीक है, तो इसके लिए एक प्रोग्राम चलाया गया है, इनिशिएटिव चलाया गया है किसके द्वारा, HDFC कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड। ठीक है, किससे संबंधित है, हाउसिंग से संबंधित है। क्या क्या किया जाएगा, इस टेक्नोलॉजी से अफोर्डेबल हाउसिंग अवेलेबल कराई जाएगी। ठीक है, तो HDFC हर्ट की फुल फॉर्म देखें तो HDFC अफोर्डेबल रियल इस्टेट एंड टेक्नोलॉजीज। ठीक है, और HDFC कैपिटल एडवाइजर्स किसकी सब्सिडरी कंपनी है, ये HDFC के अंदर ही आती है। अगला है बॉब हॉक। बॉब हॉक अभी न्यूज में थे, ठीक है, बॉब हॉक कौन है पूछा जा सकता है, तो बताना है आपको, ये ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे न्यूज में रहते हैं पर्सनैलिटीज कि बॉब हॉक कहाँ से, किससे संबंधित हैं, तो आपको बताना है ये प्राइम मिनिस्टर हैं, कहाँ के, यूए के प्राइम मिनिस्टर थे, सॉरी क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर थे। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि ये कौन थे, PM थे या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे या इनके चीफ थे, ऐसे करके कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आपको बताना है कि प्राइम मिनिस्टर थे कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के, जो अभी गुजर चुके हैं। मसाला बॉन्ड, मसाला बॉन्ड क्या होता है, मसाला बॉन्ड के बारे में 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मसाला बॉन्ड, एक तो इंडिया के जो मसाले हैं उनके नाम पर इनका नाम रखा गया है, ठीक है, और ये एक पैसा मनी रेज करने का डेट इंस्ट्रूमेंट है, जिससे क्या कर सकते हैं, मनी रेज कर सकते हैं ग्लोबल मार्केट में। दूसरी चीज़ खासियत क्या है, इसको चाइना में एक बॉन्ड है जिसका नाम है डिमसम बॉन्ड, उसी की तर्ज पर इश्यू किया गया है। डिमसम जो है वो चाइनीज करेंसी में इश्यू होता है, एंड द सेम वे मसाला बॉन्ड जो हैं ये इंडियन रुपी में रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है। मसाला बॉन्ड के बारे में 2-3 चीज़ आपको खास बात याद रखनी है कि रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है, पहली चीज़, रुपी डिनोमिनेटेड मतलब रुपी के रूप में, अगर ये बॉन्ड इश्यू करेंगे तो पैसा किस में मिलेगा, रुपी में मिलेगा, प्लस ये डेट इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या ले सकते हैं, पैसा ले सकते हैं। टू, ओवरसीज इन्वेस्टर्स, बाहर के जो इन्वेस्टर होते हैं, इंडिया से बाहर के जो इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए होते हैं, बाई इंडियन कंपनीज के द्वारा, ठीक है, तो जो बाहर के इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए रुपी डिनोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट है क्या, मसाला बॉन्ड। ठीक है, मगर जो सारे के सारे सेटलमेंट किए जाएंगे फाइनल में वो किए जाएंगे डॉलर्स में, ठीक है, और जितना भी रिस्क होगा वो किसके द्वारा वहन किया जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टर के द्वारा। तो खास बात याद रखना है मसाला बॉन्ड के बारे में, इंडियन बॉन्ड है, दूसरी चीज़ रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि
डॉलर डिनोमिनेटेड है या रुपी डिनोमिनेटेड है या कोई और करेंसी दे दी जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है। एक क्वेश्चन है वर्ल्ड बी डे, ठीक है, बी मतलब होता है मधुमक्खी, मधुमक्खी वर्ल्ड बी डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 20 मई को। तो अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक डिक्लेयर कर दिया है कि 20 मई को सेलिब्रेट किया जाएगा वर्ल्ड बी डे, ठीक है। तो बी मधुमक्खी, आपको पता ही है मधुमक्खी कई सारी चीज़ों में हेल्प करती है। नंबर एक, एक तो आपको हनी प्रोवाइड करेगी, जो कि हनी एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी है इसकी, आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है। सेकंड, हनी जो ये जो बी होती है, मधुमक्खी होती हैं, ये पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। पॉलिनेशन आपको पता होगा, पॉलिनेशन क्या होता है, जो अपने पेड़ होते हैं, फूल होता है, फूल में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स को एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाते हैं, जिससे क्या होता है फर्टिलाइजेशन बढ़ जाता है, तो फसल की पैदावार अच्छी होती है। तो ध्यान रखना पॉलिनेशन में हेल्प करती है कौन, बी। और कब सेलिब्रेट करते हैं इसको, 20 मई को। किसने स्टार्ट किया है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का ही एक पार्ट है। अब यूके ने अभी इन्वायरमेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, ठीक है, आपने कई सारी इमरजेंसी तो सुनी होंगी, मगर यूके ने डिक्लेयर कर दी है इन्वायरमेंट इमरजेंसी। इन्वायरमेंट इमरजेंसी इन्वायरमेंट से संबंधित है। अब आपको पता ही है कि इन्वायरमेंट से कई सारी, इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी आ रही हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या है। तो यूके ऐसा पहला कंट्री बन गया है वर्ल्ड में जिसने क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। तो क्या आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ऐसा वर्ल्ड का कौन सा पहला कंट्री है जिसने क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर की है? तो आपको बताना है यूके, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, जिसको ब्रिटेन भी बोलते हैं। तो यूके ऐसा पहला कंट्री बन गया है जिसकी पार्लियामेंट ने इन्वायरमेंट इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। इसके बाद एक दूसरा कंट्री बन गया है आयरलैंड, आयरलैंड ने भी इन्वायरमेंट इमरजेंसी या क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, ठीक है। तो ये ज़रूरत क्या है? देखो आपको पता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट मतलब क्लाइमेट में क्या रहा है, बदलाव आ रहा है। आपको ये हमारे जो पोल एरिया है, पोलर एरिया है, ये इनमें क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा इनका मेल्टिंग हो रहा है। जो ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, मेल्ट होने की वजह से अब पानी बढ़ रहा है, सी लेवल बढ़ रहा है, सी लेवल बढ़ने की वजह से जो आसपास के लोग हैं, समुद्र के आसपास के लोग, उनको डूबने का खतरा है, हो सकता है फ्यूचर में डूब भी जाएं। प्लस बहुत सारी चीज़ें, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ग्लोबल वार्मिंग, तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, टैकल करने के लिए क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है, ठीक है। अब क्लाइमेट इमरजेंसी या क्लाइमेट प्रॉब्लम, क्लाइमेट चेंज एक एक कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, इसमें हम सभी देशों को मिलकर कुछ ना कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। थोड़ा सा जान लेते हैं यूएनओ के बारे में। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है इसकी, यूएनओ की। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए में। यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका, जो अमेरिका है, यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका, उसमें इसका हेडक्वार्टर है। अमेरिका में हेडक्वार्टर किसका है? यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इनके जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस, ठीक है, ये इनके सेक्रेटरी जनरल हैं। और यूएनओ को कब फाउंड किया गया था? 24 अक्टूबर 1945, जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तुरंत यूएनओ को फाउंड किया गया था, ताकि फ्यूचर में अब किसी के बीच में वॉर ना हो, तो पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए यूएनओ की स्थापना की जाती है। इंडिया यूएनओ का मेंबर है, ध्यान रखना है। यूएनओ में आज की डेट में करंट में कितने मेंबर हैं? 193। ये भी पूछा जा सकता है कि यूएनओ में करंट में कितने मेंबर हैं? 193। और 24 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं यूनाइटेड नेशंस डे, क्योंकि 24 अक्टूबर को यूएनओ को फाउंड किया गया था, इसलिए 24 अक्टूबर ही सेलिब्रेट है आज यूनाइटेड नेशंस डे। एक इंडियन बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे, ये तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, अब इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, ये है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, भारतीय हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। पहली बात, एक तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 10 अक्टूबर 2010 में, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था एक एक्ट पास करके, पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया गया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। तो ऐसी कोई बॉडी जो एक्ट पास करके बनाई जाए, उस बॉडी को हम बोलते हैं स्टैचुटरी बॉडी। क्या बोलेंगे? स्टैचुटरी बॉडी। और कुछ बॉडी ऐसी होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका उल्लेख होता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जैसे इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और ये एक्ट पास करके बनाई है, तो ये एक स्टैचुटरी बॉडी है। अच्छा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल क्या होते हैं? कोर्ट की तरह काम करते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये कोर्ट होते हैं, डिस्प्यूट को रिजोल्व करेंगे, तो ये भी डिस्प्यूट को रिजोल्व करते हैं, मगर ये स्पेशल है। तो ये स्पेशल क्यों है कि ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, या एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं, उनकी जल्दी से जल्दी उनका क्या कह सकें, सुनवाई की जा सके।
एक्सपीडियस डिस्पोजल, एक्सपीडियस का मतलब है जल्दी से जल्दी उनकी सुनवाई की जा सके, केसेस की, किससे संबंधित, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन से संबंधित या कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट से संबंधित या कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से संबंधित जो भी केसेस हैं वो सारे के सारे जल्दी से जल्दी कहाँ पर सुने जाते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो चेयरमैन चेयरपर्सन होता है, चेयरमैन या चेयरपर्सन होता है वो सुप्रीम कोर्ट का एक रिटायर्ड जज होता है, ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायर्ड जज होगा वो इसका चेयरपर्सन होगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का हेडक्वार्टर है दिल्ली में। ठीक है, अच्छा अगर स्ट्रक्चर की बात करें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, तो इसका एक मेन जो ब्रांच है, मेन ब्रांच वो है नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली में, इसकी जो मेन बेंच है, प्रिंसिपल बेंच भी कह सकते हैं। इसके अलावा इसकी चार बेंच और हैं, एक है पुणे में जो वेस्टर्न जोन बेंच है, दूसरी है भोपाल में जो सेंट्रल जोन बेंच है, तीसरी चेन्नई में सदर्न बेंच है, और चौथी है कोलकाता में, कहाँ पर है ये, ईस्टर्न बेंच है। तो इसकी ये चार बेंच है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की। ध्यान रखना स्पेशली किससे रिलेटेड है, इन्वायरमेंट के जो केसेस हैं उनको फास्ट रिकवरी के या फास्ट सॉल्यूशन के लिए बनाया गया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब हम डिस्कस करेंगे, आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में, आज का स्टेट है हमारा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कल हमने कौन सा देखा था, आंध्र प्रदेश देखा था, अब हम डिस्कस करेंगे अरुणाचल प्रदेश। तो देख सकते हो आप, अब बिल्कुल ईस्ट में, ईस्टर्न है, और यहाँ से यहाँ तक आपको बताइए क्या है, ये वाला पूरा की पूरा है आ जाता है किसमें, हिमालय रीजन, कौन सा रीजन है, हिमालय। तो हिमालय जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। तो अरुणाचल प्रदेश का ये मैप है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर नॉर्थ में चाइना टिबेट मतलब तिब्बत वाला रीजन जो चाइना के कंट्रोल में, इधर ये भूटान है, इधर आसाम है, नीचे म्यांमार है, यहाँ पे नागालैंड है। तो देख सकते हो तीन कंट्री तो इसको टच कर रहे हैं, तीन कंट्री, यहाँ पर साउथ की डायरेक्शन में है म्यांमार, फिर चाइना और एक भूटान, और यहाँ पे इंडियन स्टेट कौन कौन से टच कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो असम टच कर रहा है और नागालैंड टच कर रहा है किसको, अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो है ईटानगर, यहाँ पे आप देख सकते हो ईटानगर इसकी कैपिटल है, बाकी इसके डिस्ट्रिक्ट दिखा रखे हैं। तो टोटल 25 डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं बी डी मिश्रा, और यहाँ के सी एम है पेमा खांडू, पेमा खांडू यहाँ के सीएम है। यहाँ पे लोकसभा की दो सीटें हैं, बहुत छोटा एरिया, कम पॉपुलेशन है, और राज्यसभा की एक सीट है। ठीक है, और लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ की जो विधानसभा है उसमें टोटल 60 सीटें, और कैपिटल यहाँ की ईटानगर है अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, गवर्नर के बारे में दो तीन पॉइंट और जान लेते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। रिसेंटली अभी एक एग्जाम हुआ था बीए बीएड वाला कंबाइंड राजस्थान में, तो उसमें भी ये पूछा गया था कि गवर्नर जो राज्यपाल होता है, गवर्नर को हिंदी में बोलते हैं राज्यपाल, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट को द्वारा। ध्यान रखना राज्यपाल इलेक्टेड नहीं होता, मतलब इसका इलेक्शन नहीं होता, इसको अपॉइंट किया जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, जनरली 5 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, और ये प्रेसिडेंट की, जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक ये रूल कर सकते हैं, ऐसा फिक्स नहीं 5 साल ही करेंगे, ये डिपेंड करता है, इनका रूल प्रेसिडेंट पर डिपेंड करता है। इनकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स होनी चाहिए, राज्यपाल अगर किसी को बनना है तो इनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मिनिमम 35 ईयर्स। ठीक है, आज कंट्री है भूटान, यहाँ पे देख सकते हो ये रेड शेडेड पोर्शन, जो रेड वाला पोर्शन है ये है भूटान, और भूटान की कैपिटल है थिम्बू, और यहाँ के पीएम है लोटे शेरिंग, लोटे शेरिंग यहाँ के ये पीएम है, और यहाँ की करेंसी है भूटानीज गुलट्रम, नगुलट्रम। ठीक है, भूटानीज नगुलट्रम, और ये यहाँ का क्या है, फ्लैग है। यहाँ पे आप इंडिया का, अब ये मतलब भूटान को देख भी सकते हो, इंडिया के रेस्पेक्ट में पोजीशन, ये हमारा भारत है, और भारत के ऊपर नॉर्थ में ये नेपाल है, यहाँ पे चाइना है, और इधर साइड में जाओगे तो ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश के ऊपर ये आसाम है, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, और इसके बीच में ये है भूटान, और भूटान के बगल में यहीं पर है सिक्किम, और यहीं पर एक 2 साल पहले डिस्प्यूट हुआ था आपको पता ही है डोकलाम इशू, तो वो कहाँ पर है, भूटान में डोकलाम वैली। ठीक है, तो यहाँ चाइना, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ आसपास के एरिया आपको पता होनी चाहिए, मैं डेली इनको डिस्कस करता हूँ तो सबके बारे में ध्यान रखना। यहाँ पे देख सकते हो भूटान, भूटान के पास है अपना इंडियन स्टेट अरुणाचल प्रदेश, नीचे आसाम, और इधर है सिक्किम। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना, ये है नेपाल, और यहाँ पे बांग्लादेश, और बांग्लादेश इधर साइड में है म्यांमार। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।